गुरु का नया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं जो आप लोगों का दोस्तों भावनगर की सीरीज 2 चल रही है। कल हमने हॉलैंड बजीज वगैरह सब कुछ कवर किया और आज हम कवर करने जा रहे हैं कनूर और कोकाटेल और हैवी म्यूटेशन में लव बर्ड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट की स्टाइल में वीडियो शुरू करते हैं। रिजवान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी अब क्या आप लोगों ने रखा है ये बताइए, ये कौन सी येलो शेडेड ब्लू येलो शेडेड की पैर है कनूर की। अच्छा प्रोग्रेस है इसमें? प्रोग्रेस है जबरदस्त। चलिए दोस्तों देखते हैं, 5 अंडे हैं दोस्तों। इसमें भी आप पिछले वीडियो की तरह क्या डाइट फॉलो करते हैं प्रॉपर? मैं सेमी डाइट पर, कनूर में क्या रहता है तो उसको है ना फ्रूट जरूरी है। अच्छा हाँ, फ्रूट उसको देना पड़ता है। फ्रूट में आप क्या देते हैं? फ्रूट में मैं सफरजन देता हूँ, फिर क्या बोलते हैं गुआवा जामफल, जामफल वो सब देता हूँ। फ्रूट सब खाएंगे कनूर, सीजनल फ्रूट दे सकते हैं। इन शॉर्ट दोस्तों ये बात याद रखनी है कि इन बर्ड्स को ना ज्यादा मीठा फ्रूट नहीं देना है आपको। किसी भी बर्ड को ज्यादा मीठा वाला जो होता है ना, कनूर सेट होने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप लगाओ और तुरंत सेट हो जाए। हाँ आपका नसीब अच्छा हो और उसको ऐसा हो कि सेट हो गया तो हो जाता है, बाकी का कनूर में टाइम ले लेते हैं। 6-7 महीने में रखा है फिर चालू हुआ है पैर मेरे से। तो दोस्तों सेम हियर, मैंने सुल्तान भाई के पास से ब्लू की पैर ली थी 2 साल के बाद, आज उसने मेरे पास अंडे दिए कि बिकॉज वो सेट होने में टाइम लेती है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर किसी ब्रीडर का नाम लिख लिया तो वो आपके घर आके अंडा देगी। वो वहाँ ब्रीडिंग पेयर हो भी सकती है, आपके घर आके 2-3 साल भी निकाल सकती है। एक तो, बार कनूर में क्या रहता है, एक बार सेट हो गया ना फिर आपको साइकिल चालू ही रहती है, वो फिर बंद नहीं होगी, फिर बंद नहीं होगी। आप देखिए यहाँ पर ब्लू की पेयर है दोस्तों, ब्लू पाइनएप्पल है, ब्लू पाइनएप्पल है, ब्लू और ये ब्लू येलो साइडेड है, ब्लू येलो साइडेड। ब्लू की थोड़ी जो है आप कह सकते हैं ब्रीडिंग और मुश्किल है कंपेयर टू नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है ना, फीमेल एक और अंडा शायद देगी अभी। और ये पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल का मेल और येलो। अच्छा पाइनएप्पल का मेल है और येलो साइडेड की दोस्तों फीमेल है। इसमें है कुछ या आप करेंगी? नहीं उसमें अंडा एक रखा था पर भी नहीं है। नहीं अच्छा फोड़ दिया है दोस्तों। देखिए ये लक्ष्मण रेखा आप लोग यूज करना रखिए, बिकॉज अगर चींटी वगैरह आती है, दीमक आती है तो वो उससे दूर जरूरी है हो जाएगी। यहाँ अल्बिनो की पेड़ है दोस्तों, इसके भी अंडे हैं दोस्तों। अब कनूर और आल्बिनो दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं तो मैं आपको मस्त यहां पर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। इनको फ्रूट और वेजिटेबल जो देना है वो क्रश करके देना है, बारीक फॉर्म में देना है, छोटे टुकड़ों में देना है, बिकॉज इनकी जो चोंच होती है वो इतनी मजबूत नहीं होती है। और इनको थोड़ा कम देना है, जबकि ये जो है कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, इनकी खुराक ज़्यादा है, इनका कंजप्शन ज़्यादा है। इनको आप लंबे लंबे जो टुकड़े होते हैं ऐसे लंबे काट के, बिकॉज ये होल्ड करके खाएंगे, ये होल्ड करके नहीं खाएंगे, पाँव में पकड़ के नहीं खाएंगे। तो इनको लंबा काट के फ्रूट वेजिटेबल जो भी देना है वो दीजिए और इनको क्रश करके दीजिए तो ये आसानी से खाएंगे। चॉपर में देख देंगे ना तो सबसे अच्छा रहेगा, कोई भी सॉफ्ट फूड, सॉफ्ट फूड और कोई भी चॉपर करके जो आता है ना चॉपर में फिटिंग करके दोगे ना तो उसके बारी टुकड़ा हो जाएगा तो उसमें अच्छा रहेगा सब बर्ड को। लेकिन कनूर को तो दे सकते हैं, कनूर को तो दे सकते हैं। कनूर दोस्तों मोटा चना भी होगा ना तो वो चना भी हाथ में पकड़ के खाएगा, ठीक है, तो उसको पूरा चना आप दे सकते हैं। लेकिन इनको थोड़ा क्रश करके देंगे तो ये कंज्यूम अच्छा करेंगे, प्लस आपका जो बिगाड़ भी होता है ना फूड का वो भी नहीं कम होगा। चलिए अब यहाँ पे पेड़ एक और है, फर्स्ट क्लास पेड़ है, देखते हैं। जी रिजवान भाई ये अल्बिनो का मेल है हाँ, और पल की फीमेल है, फैटलेस बोलते हैं ना। खूबसूरती देखिए दोस्तों, अभी जबरदस्त प्रोग्रेस है इनके यहाँ पर। अभी मैंने इसके हैंड फीडिंग चिप ले लिए हैं। ओके ज़्यादातर पैर के ले लिए, सब हैंड फीडिंग घर पे। इसमें भी ले लिए हैं, इसमें भी ले लिए, इसमें अंडे है दोस्तों। देखिए बटरफ्लाई जो कोकाटेल है कहीं इसी तरीके से पल से निकला हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं वहीं से ड्राई हुआ है। अलग अलग म्यूटेशन को मिला के इन्होंने जो है वो पल बनाया, पल बटरफ्लाई निकला है। आज बटरफ्लाई की जैसी पेड़ 25,000 से लेकर 45-50,000 तक बटरफ्लाई की पेड़ मिलती है। चलिए दोस्तों आगे चलेंगे, अल्बिनो की पेड़ है यहाँ पर। अंडे रखते हैं, परेशान नहीं करेंगे दोस्तों, अंडे देखने में कोई बड़ी बात है नहीं तो इसको आराम करने दीजिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो में बर्ड जो है कम से कम परेशान हो। देखिए कितने खूबसूरत हैं,
अभी आपने जो बर्ड देखे वो पेचलेस थे और इनको पेच बर्ड कहते हैं। आप बोले ना जो पाइड बटरफ्लाई, ये पाइड में से फिर उसमें वर्किंग करके बटरफ्लाई होता है, ये पाइड है, पल पाइड और फोन पाइड है। दोस्तों फोन पाइड इसका कलर है और वाह ज़बरदस्त। अब दोस्तों मैं मेरे वीडियो में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम छोटे से छोटा जो नौसिखिया है बर्ड में वो भी सीख पाए। तो गाल पे जो पेच बनाए ना उसको पेच कहते हैं, ठीक है। और पेचलेस किन को कहा जाता है, जिनके गाल पे ये चंदा मामा नहीं बने होते हैं, ठीक है। तो ये चंदा मामा वाले जो बर्ड हैं वो है पेच, और विदाउट पेचलेस जो होते हैं उनका प्राइस ज़्यादा रहता है, इनका प्राइस थोड़ा कंपेरेटिवली कम रहता है। ये नैन भाई की पैर है, नैन भाई पैर वर्किंग करते हैं ना जो, अच्छा की होम ब्रीड है, ये किसी को नहीं देते हो। इन लोगों ने दोस्तों एक ग्रुप बनाया है पूरा भावनगर पेट क्लब का, तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अगर आप भी भावनगर में हैं और चाहते हैं इनके ग्रुप के साथ जुड़ना, चाहते हैं इनके ग्रुप के साथ शामिल होना और हेल्प करना एक दूसरे की, तो आप लोग भी इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सुल्तान भाई हैं या इस ग्रुप के किसी के साथ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्लास बच्चे हैं दोस्तों, अब क्या देखेंगे नीचे भी, इसमें भी एक पैर है। यहाँ दोस्तों देखिए अल्बिनो और वाइट फेस है। इनके म्यूटेशन पे हम नयन भाई के यहाँ वीडियो जब बनाएंगे तब म्यूटेशन के बारे में मैं थोड़े से इनपुट्स डालूंगा जो मैंने शाहबाज भाई से सीखे हैं जो मुंबई जाकर, और वो शाहबाज भाई और नयन भाई दोनों दोस्त ही हैं, ठीक है। इस लाइन में दोस्त जितने बनाओगे उतना अच्छा है, तो दोस्त बनाकर एक दूसरे का फ़ायदा उठाइए। दोस्तों देखिए अंडे हैं इनके, ये पूरा पैर भी नयन भाई के घर का ही है। पर इसमें क्या है, मेरे यहाँ 5 किस निकलते हैं ना, तो 2 इम्पोर्टेड होते हैं। हाँ ऐसा है, वो कोई भी स्प्लिट तो बना हुआ हो इम्पोर्टेड का, तो उसमें मेरे यहाँ पल पाइड इम्पोर्टेड निकलते हैं। ज़बरदस्त। अब दोस्तों फिर से एक छोटी सी टिप, चलते चलते पेच बर्ड को पेच बर्ड के साथ लगाइए, पेचलेस बर्ड को पेचलेस बर्ड के साथ लगाइए, ठीक है, वरना बर्ड की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो सकती है। इसलिए आप पेचलेस को पेचलेस के बिना लगाइए, तो एक म्यूटेशन में वर्क करना है तो, वरना आप जैसे तैसे काम करना चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए ये फोस्टरिंग पेयर फोन की रखी हुई है, बच्चा है निकला ही, जस्ट बच्चा है चुआ है दोस्तों। मज़ा आ गया दोस्तों देखकर। तो देखिए दोस्तों आप पेचलेस की अगर ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो पेचलेस की ब्रीडिंग के लिए आप पेच वाले जो सबसे बर्ड आते हैं, खास करके मैं आपको कहूँगा फोस्टरिंग के लिए ग्रे बर्ड को यूज़ कर सकते हैं, सबसे मजबूत सबसे अच्छा बर्ड है, उसको फोस्टरिंग के लिए यूज़ करिए। इन्होंने फ़ोन यूज़ किया है, फ़ोन उसका भाई ही है समझ लीजिए, वो लाइट कलर है थोड़ा सा। जी रिजवान भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं आप बिंदास बोल सकते हैं। देखिए ये भी अंडे हैं अभी रिजवान भाई, आपका डाइट प्लान मतलब आप सुबह ही सब खाना दे देते हो? मैं सॉफ्ट फूड सुबह देता हूँ। हाँ ऐसा है, और 12-1 बजे मैं सब सॉफ्ट फूड हटा देता हूँ। अच्छा, मॉर्निंग में सॉफ्ट फूड देता हूँ बर्ड को, जब आप जब फ्रेश मॉर्निंग में दोगे ना 7-8 बजे तो सबसे बेस्ट है। अच्छा, क्योंकि सॉफ्ट फूड ही से ही वो बच्चे को खिलाएंगे। यहाँ कुछ है, हाँ यहाँ पर भी दोस्तों देखिए धाकड़ ब्रीडिंग है दोस्तों, और दोनों ही माँ बाप अंडों को दे रहे हैं, ज़बरदस्त ब्रीडिंग है दोस्तों। मोस्टली कोई पैर इंशाल्लाह अभी बाकी नहीं है, सब में ब्रीडिंग है, सब में या तो ब्रीडिंग हो चुकी है या ब्रीडिंग पे है। तो ज़बरदस्त कोकाटेल की ब्रीड है दोस्तों। अब सारे कोकाटेल ही हैं हम, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोकाटेल के लिए भी आप रिजवान भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। रिजवान भाई एक बार फिर से नंबर अपना बता दीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9537188188, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम होगोरोमो बजीज देखेंगे, और ये कलर जो है देखने को जल्दी से नहीं मिलते हैं क्योंकि पूरा लुटिनो बर्ड है, नज़दीक से दिखाऊंगा। और होगोरोमो है ये ब्लैक आई है, इसको डबल फैक्टर बोलते हैं, डबल फैक्टर, फैक्टर डबल फैक्टर, डबल फैक्टर। अच्छा दोस्तों ये छोटे बर्ड जो है थोड़े परेशान ज़्यादा करेंगे, तो आप पेशेंस रखिएगा, देखने को मिलेंगे आपको नज़दीक से।
अब दोस्तों ये अल्बिनो मैंने पाली थी, लेकिन मैं ब्रीड करवाने में अनसक्सेसफुल रहा, तो मैंने जहाँ से ली थी वापस कर दी। अब देखिए यहाँ पर बच्चे निकालने में कामयाब रहे। इसमें पहले मैंने 9 अंडे रखे थे, 9 बच्चे निकले थे, पर मैंने 3 बच्चे घुमा दिए थे, 5 बच्चे इसमें एक किराए। दोस्तों होगोरोमो की ब्रीडिंग के लिए भी आप नॉर्मल बजीज को फोस्टरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल बजीज बहुत अच्छा काम करेगी। ये रेड आई की है। अच्छा, रेड आई लूटिनो बोलते हैं। रेड आई दोस्तों, जो लूटिनो या अल्बिनो कलर है ना, वो कब बोला जाता है कि जब बर्ड या तो वाइट है पूरा या पीला है पूरा और विथ रेड आई है, तो ही उसको ऐसा कहा जाता है। और रेड आई के बर्ड जो है म्यूटेशन में बहुत वीक होते हैं, उनको बहुत संभालना पड़ता है, और उनके प्राइस भी जो है कभी भी कम नहीं होंगे, उनके प्राइस ब्लैक आई से हमेशा ज़्यादा ही रहेंगे। सब रेड आई वीक ब्लड लाइन होती है, सब रेड आई होता है ना, हाँ। उसमें थोड़ा वीकनेस रहता है, उसमें बच्चे भी थोड़े वीक रहते हैं पहले, ब्लैक आई कंपेयर टू ब्लैक आई। इसमें कुछ नहीं है ना? नहीं, इसमें अंडे थे, मैंने दूसरे पैर में घुमा दिए। अच्छा, अब यहाँ पर होगोरोमो। दोस्तों हॉलैंड बजीज का एपिसोड पिछला वाला नहीं देखा, देखिए, हमने फिंचीज, हॉलैंड बजीज सब कवर किए हैं, और थोड़े बहुत लव बर्ड भी कवर किए उस एपिसोड में। बहुत खूबसूरत। और ये कमरा कितना लंबा है अपना कमरा? 30x50 का हॉल है पूरा। 30x50 फुट का हॉल है दोस्तों, जबरदस्त। इसको क्या बोलते हैं? ये पाइड का है। पाइड है अच्छा। इसमें मेरे है ना बच्चे वाइट फीमेल डाला है ना, तो मेरे स्पेंगल बहुत अच्छे स्पेंगल जो रेम्बो की तरह आते हैं ना, वैसे चिक्स निकलते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हॉलैंड के मैंने प्रोग्रेस तो पिछली बार दिखा दी, कुछ होगी तो दिखा देंगे। ये सब पीसीबी स्प्लिट के वर्किंग के पैर है, 10 पैर। अच्छा, है किसी में प्रोग्रेस है तो बता दीजिए। है ना, इसमें सब में अंडे बच्चे तो है ही। हाँ, अंडे बच्चे हैं तो थोड़े से देख लेते हैं हमारे दर्शकों को, क्या ज़्यादा अंडे बच्चे दूसरों के देखने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं कहूँगा दूसरों के अंडे बच्चे देखिए वीडियो में, कोई बात नहीं, लेकिन उनसे मोटिवेशन लीजिए आप। देखिए अंडे हैं, ठीक है, शायद बच्चा निकला है, नहीं अंडे अंडे, ठीक है, मोटिवेशन लीजिए। तो पिछले वीडियो में बहुत सारे सवाल मैंने किए थे रिजवान भाई से, फ्लाइट केज क्यों लेना चाहिए, चर्बी लग जाए तो क्या करें, तो वो सब चीज़ें आप जो है वो देखिए, पिछले एपिसोड को ज़रूर देखिए। हमने कनूर में दोस्तों एक बात करना भूल गए, कनूर अच्छे माँ बाप होते हैं जो स्मॉल कनूर है, तो स्मॉल कनूर भले ब्रीड करने में आपको थोड़ा परेशान करेंगे, बहुत ज़्यादा तो परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अच्छे माँ बाप हैं वो खुद भी बच्चे बहुत अच्छे बड़े करते हैं, और हैंड फीडिंग के लिए उनके बच्चे सबसे बेहतरीन रहेंगे अगर आप हैंड फीडिंग में कुछ करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो। देखिए यहाँ पर प्रोग्रेस देखिए, भावनगर में बहुत सारे बर्ड लवर बड़े हैं, उसकी वजह कहीं ना कहीं दोस्तों जो है भावनगर के पेट क्लब को जाती है, जिन्होंने मुझे पहली बार यहाँ बुलाया था, और उसके बाद हमने ये सिलसिला चालू किया, और सबको लगा कि नहीं अब हमें भी YouTube पे आना चाहिए, हमें भी YouTube चैनल्स बनाने चाहिए, तो लोगों ने चैनल भी बनाए और वो भी प्रमोट हो रही है, और हमारा काम, हमें लगता है हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए हैं। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे अच्छे बच्चे निकले, छोटे छोटे से, तो ये कोई रिजवान भाई सुल्तान भाई सब पागल नहीं है दोस्तों, तो जो पाल रहे हैं बर्ड्स को, ठीक है, आप भी इस हॉबी में आइए और आगे बढ़िए। देखिए इतने बड़े सेटअप का खर्चा कोई इंसान को ऐसा ही नहीं है कि वो ऐसे ही करेगा, इसमें से अच्छा खासा इनकम निकाला जा सकता है, लेकिन मेहनत है, याद रखिएगा, मेहनत करना नहीं है तो 2 पैर 3 पैर पे ही रहिए, वरना मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग जो है मेहनत करिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, और रिजल्ट के लिए आप टेंशन मत लीजिए, आपका अज्जू भाई हमेशा साथ में है आप लोगों के। बहुत खूबसूरत, एक से बढ़कर एक बच्चे हैं यहाँ पर, देखिए तो सही दोस्तों, मैं दिखा दे थक रहा हूँ अब, तो यहीं हम एपिसोड को ख़त्म करते हैं, ठीक है, और एक छोटा सा एपिसोड हम बना देते हैं लव वर्ड का, जो आपको पेट गुरु अज्जू भाई पे देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारे लव बर्ड हैं, सॉरी लव बर्ड नहीं है, बजीजे सब मेरी होम ब्रीड है, अच्छी लाइन है, ये देखिए इसको नज़दीक से देखते हैं, देखिए ये प्योर क्वालिटी, देखिए इनको आप कंपटीशन में उतार सकते हैं, ऐसे बर्ड हैं ये,
इसमें दोस्तों जो मेल का क्रस्ट है वो फीमेल के क्रस्ट से हमेशा ज्यादा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल का क्रस्ट जो है वो ज्यादा हो सकता है। ठीक है, दोनों का सेम ही है, देखिए आप जबरदस्त स्पेंगल कलर है यहाँ पर, देखिए ये मेरा होम ब्रीड है, हॉलैंड बजीस। दोस्तों हॉलैंड बजीस का क्रेज भी, मैं सारा क्रेडिट है ना मैं खुद ले लेना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है चैनल स्टार्ट करने का बड़ा ही मजा आया था, जहाँ भावनगर वालों ने वो इंडिया को दिखाया कि नहीं कैसे कैसे कलर में बजीस हो सकते हैं, और मजा आ गया था दोस्तों वो सीरीज बनाकर भी। और इन सब की कड़ी बनाए थे मेरे सुल्तान भाई, बहुत खूबसूरत ये कलर देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। लव बर्ड के लिए आप तीसरे एपिसोड में मिलिए पेट गुरु अज्जू भाई चैनल पर, वो तीसरा एपिसोड हम वहां पर पब्लिश करेंगे हाई म्यूटेशन में सारे लव बर्ड। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।